फ्रेंड्स, गायत्री की दुनिया में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देखते होंगे कि दो तीन वीडियो मेरे गणपति व्लॉग के ऊपर ही है, तो आज का ये व्लॉग आखिरी है गणपति व्लॉग, गणपति फेस्टिवल के बारे में। सो चलिए मेरे साथ टिटवाला इस व्लॉग को देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं टिटवाले के और अभी शाम के 6 बजे हैं, तो टीटू वाले तक पहुंचने के लिए शाम के 6:45 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। नगर का 4 नंबर भाजी मार्केट है। मंडे के दिन यहाँ पर बाजार लगता है। मंडे के दिन यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है। मंडे मार्केट के दिन रोड के दोनों साइड में काफी शॉप्स लगे हुए रहते हैं। थोड़े आगे जाके ही गवर्नमेंट का सेंट्रल हॉस्पिटल है। मेरे राइट साइड में ये सेंट्रल हॉस्पिटल है। पहले हम विट्ठलवाड़ी स्टेशन के ओर से जाने वाले थे, पर वहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है, तो इसलिए अभी हम 2 नंबर के साइड से जाएंगे, सेक्शन नंबर 2 के साइड से जाएंगे।
इतने देर से मैं कैमरा में वीडियो निकाल रही थी पर मेरे कैमरे ने धोखा दिया, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई, तो अब मैंने फ़ोन से वीडियो निकाल दी। आगे यहाँ पर एक बड़ा सा गुरुद्वारा है जो कि बहुत ही सुंदर और बड़ा है। ये देखिए ये गुरुद्वारा, चार स्टेशन तक आ चुके हैं। चार स्टेशन में एक एक्सप्रेस आई हुई है। सेंचुरियन बताया, यहाँ पर एक सेंचुरी रेयन की कंपनी है। देखिए आगे जाके सेंचुरी रेयन का एक स्कूल भी है। देखिए मेरे राइट साइड में सेंचुरी रियान का स्कूल है, ये बहुत बड़ी स्कूल है। देखिए मेरे लेफ्ट साइड में कितनी बड़ी टावर है, बनी है, बन रही है। एक साइड बन चुका है, एक साइड बन रहा है। देखिए चांद निकल चुका है, आजकल जल्दी चांद निकलता है 4 बजे ही। अभी 6:30 बजे हुए, मतलब हमें आधा घंटा लगा उल्लासनगर से शहर आने के लिए। हम 6 बजे निकले थे। यहाँ पर बहुत सारे लॉन्स हैं शादी के, सपना लॉन्च में आज शादी है लगता है। यहाँ पर महाराजा लॉन्च, यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कूल है मेरिडियन करके।
कि हम ब्रिज के ऊपर हॉल्ट लेंगे 5 मिनट का। तो चलिए अब हम यहाँ पर रुकेंगे 5 मिनट के लिए। तो चलिए अब हमारा 5 मिनट का हॉल्ट हो गया, अब हम चलते हैं। चलिए हमारा 5 मिनट तो हॉल्ट हो गया, तो अब हम चलते हैं। क्वालिटी खराब होते जा रहा है, वीडियो क्वालिटी लो होते जा रहा है। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है चांद उतना ही अच्छा दिख रहा है। लोगों के गाड़ी के हेडलाइट ऐसे लग रहे कि आग का गोला आ रहा है।
सावधान सावधान। यहाँ से टीटू वाला और 4 किलोमीटर दूरी पर है। सनसेट हो चुका है, आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये सब पिंक और पर्पल हो चुका है। काफी अच्छा सीन है ये। तो हम टिटू वाला पहुंच चुके हैं। मैं अंदर जाके आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। आज घर भी है लगता है बहुत। आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ पर लाइन से बहुत सारे शॉप्स हैं। यहाँ पर गणपति की मूर्ति है, लक्ष्मी की मूर्ति है, हार है। यहाँ पर लाइन से बहुत सारे शॉप्स हैं। तो चलिए मैं आपको बाहर के टेंपल का व्यू दिखा दे।
मोबाइल बंद करो। जैसे कि आप पर लिखा हुआ अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हम अभी बाहर से आपको भी दिखाते हैं। अंदर बहुत भीड़ है, देखिए ये है मंदिर का बाहर का व्यू। यहाँ से 2 मिनट के दूरी पर एक विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट वहाँ पर जाएंगे। तो चलिए हमारे तो चलिए अब हम चलते विट्ठल रुक्मिणी के मंदिर में। हाय, देखिए यहाँ पर पुराने जमाने में घोड़े इस्तेमाल करते थे, तो ये घोड़ा गाड़ी है। देखिए तो ये विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर। चांद दिख रहा है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं।
हरिभक्त हमारा दर्शन हो चुका है तो चलिए अब हम बाहर चलते हैं। अभी हम होटल में जा रहे हैं। विट्ठल मंदिर के थोड़े ही आगे एक फेमस होटल है। हम जब भी यहाँ आते हैं यहाँ से नाश्ता करके ही जाते हैं, तो आप भी जब भी आए तो इस होटल में जरूर आइए। हमें बहुत भूख लगा है तो हम अभी होटल में नाश्ता करने आए। नाश्ते में क्या मंगाए? नाश्ते में हमने वड़ा पाव, मिसल और मूंग भजी मंगाई। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। तो हमारा नाश्ता करके हो गया और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।